बक्सर में भोजन घोटाला हो रहा है, यह कहना है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। उन्होंने राजकीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करने के बाद बताया कि यहां 285 बच्चे नामित हैं, लेकिन केवल 158 बच्चों का ही भोजन मिलता है। ऐसे में कुल 127 बच्चों को भोजन नहीं मिलता, जिनके भोजन के मद में तकरीबन 3.5 करोड़ से ज़्यादा रुपये हर साल डकार ले जाते हैं। इसके अलावा वहाँ आवासन में भी भारी दिक्कतें हैं। वहाँ बच्चों के लिए चौकी तो है, लेकिन उस पर गद्दा नहीं, जाने के लिए मार्ग नहीं तथा मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिलता। उन्होंने यह भी कहा कि वहाँ के बच्चे रोटी का नाम भी भूल गए हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय बक्सर है, प्लस टू है, उसमें कुल बच्चों की संख्या है 285 अभी, और उपस्थिति है 158, काफ़ी एब्सेंटिज्म है। आखिर क्यों, इसका कोई जवाब शिक्षक लोग नहीं दे सकते। इसमें अनियमितता की बू आती है। अनियमितता की बू ये आती है कि हम 2300 रुपया खाना देते हैं पर मंथ एक बच्चा, कहने का मतलब लगभग 80 रुपया पर डे देते हैं, और अब जोड़ लिया जाए 285 में 158 घटाया जाएगा तो हम समझते हैं कि 125 रुपये का खाना बेकार जा रहा है, यानी उसको खाना शो किया जा रहा है, उसका पैसा खाया जा रहा है। तो आप 80 रुपया के हिसाब से जोड़ लीजिए कि कितना पैसा बंदोबस्त हो रहा है। और उसके बाद जो मीनू है, मीनू में सप्ताह में 2 बार नॉन वेज देना चाहिए, 2 बार 3 बार अंडा देना चाहिए, ये लोग नहीं देते हैं, इसका पैसा कहाँ जाता है। तीसरी बात कि जो बच्चे हमारे वहाँ पर खाते हैं और वहाँ पर रहते हैं, उनको रोटी नाम की चीज़ नहीं उनको मिलती है, जिसके चलते बच्चों को कंस्टिपेशन वगैरह होता है, बीमारी होती है। चौकी है लेकिन गद्दा नहीं है, और बच्चे हमारे ऐसे सोते हैं, तो इसके चलते भी दिक्कत होती है। और दूसरी बात है कि हम लोग हॉस्टल में अभी गए और रमेश विद्यालय में लगभग 1 फरलांग की दूरी है, अगर वर्षा हो जाएगी तो हम समझते हैं कि पैदल जाना भी मुश्किल वहाँ पर होगा। इसके लिए DDC साहब यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ, क्योंकि वो नगर पालिका में आता है, तो नगर पालिका के पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है 1 महीना के अंदर आप किसी तरह का वहाँ पर ऐसा रोड बनाएं जिससे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। ये वहाँ जा कर के हम लोगों ने देखा।